sitting here, and I ठीक एक पहली हम लोग ने इसकी इसलिए रखा है कि जिससे आप सब जानते हैं कि एक पहली लीला एक सस्पेंस एक रीइंकार्नेशन फिल्म है, और हम लोग ने एक पहली वो एक सस्पेंस एंगल लेके आए रीइंकार्नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम कि जितनी फिल्में आज तक बनी हैं रीइंकार्नेशन पे उसमें कभी सस्पेंस नहीं होता। लोगों को पता है कि ये जैसे पकड़म करण अर्जुन का पकड़ लें, शाहरुख सलमान मरते हैं फिर पैदा होते हैं फिर बदल लेने आते हैं ठाकुर के साथ, हमारे फिल्म में ऐसा नहीं है कि पैदा होते हैं पर वो शक्लें बदल जाती हैं, तो वो सस्पेंस है कि कौन कौन है। तो पब्लिक लास्ट सोचते रहेगी कि पैदा तो हैं, सिर्फ सनी ही वही सेम लगती है, मीरा लीला बन जाती है, बट ये नहीं पता कि आगे क्या है। तो वो पहली हमें सस्पेंस रखी पहले की, तो लास्ट तक लोग बोलते ना गेस करते रहे कि क्या होगा और कौन होगा। सी सनी के ना इसमें एक्चुअली तीन डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, रोल दो ही हैं, पर एक मीरा जो है लड़की लंदन की है जो सुपर मॉडल है, वो वहाँ से वो इंडिया आती है एक फैशन शूट कैंपेन के लिए, जहाँ राजस्थान में आती है और वहाँ फोटोशूट के दौरान वो मिलती है अपने प्रिंस मोहित अलावट जो है हमारे, उनसे फिर उनकी लव स्टोरी शुरू होती है, वहाँ शादी कर लेती हैं, तो चेंज होकर वो एक प्रिंसेस के रोल में आ जाती हैं, तो उनका पूरा लुक जो वेस्टर्न लड़की है इंडियन हो जाती है, अनारकली कपड़े पहन रही है, वेरी ब्यूटीफुल। ये दो तो एक फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट जो अलग कैरेक्टर था वो था लीला का, जो 300 साल पुरानी कहानी है, जब लीला उस वक्त ही जो हम लोग कभी पैदा ही नहीं हुए थे, तो अभी हम लोग एक फिक्शन बनाई कि 300 साल पुरानी कहानी में लीला है, उसका एक लुक अलग है, गाँव की लड़की है एकदम बोलते ना चुलबुली पटाखा लड़की है, तो वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। तो ये तीन अलग शेड्स सनी को खेलने मिले इस पिक्चर में। सी जयेश प्लेइंग कैरेक्टर कॉल करण, जो बॉम्बे का लड़का है हमारे ऐसा, उसके पास बुलेट बाइक है, घूमता है, एंड इज ए म्यूजिशियन, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करता है जो नॉर्मली यंग लड़के करते हैं, वो रिकॉर्डिंग म्यूजिक बना के लंदन है उसकी बहन राधिका वहाँ भेजता है, जहाँ पे सनी इज फ्रेंड राधिका, तो वो एक कैरेक्टर था। और करण का ये है कि उसे ही ये रात में सपने आते हैं, जो आपने प्रोमो में देखा होगा, कोई नींद नहीं आ रही है, हैरान है कि है क्या, तो एक उसको एक चीज़ सता रही है, तो एक कहानी से वहाँ से मूव करती है जय के साथ, तो करण कैरेक्टर है, और वो आती है राजस्थान, फिर वहाँ से स्टोरी मूव फॉरवर्ड होती है जहाँ पे वो सनी से मिलता है, ऑल दैट थिंग सस्पेंस में फिर चलता है आगे। लाइट लगा लो, देखो एक्सपो तो खोल दो। इस मूवी में जैसा कि आप फर्स्ट टाइम सनी जी के साथ काम कर रहे हैं आल्सो विद जय भानुशाली, सो क्या आपका मतलब किस तरीके का दौर रहा है इनके साथ काम करते हुए? सी इट वॉज ए लवली एक्सपीरियंस, सनी से तो पहली बार काम कर रहा हूँ मैं, एंड आई नेवर न्यू हर बिफोर, जब मिले तो हम लोग अच्छे दोस्त बन गए सनी डैनियल और मैं, और जब स्क्रिप्ट सुनाई अच्छा लगा लेट्स मूव ऑन इट, तो वहाँ से हम लोग शुरू की ये फिल्म, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट कि सनी इतनी अच्छी परफॉर्म करेगी, कि नॉर्मली शी इज अ ग्लैमर डॉल और लोगों है कि शी सेक्सी हॉट, बट शी इज़ मोर देन दैट, सिर्फ वो सेक्सी ऑट नहीं, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज अ वेरी शार्प माइंड, और काफ़ी अच्छे ग्रैस्प करती हैं डायलॉग्स को, अच्छा इमोट करती हैं, तो शी ऑल पुट थिंग्स टुगेदर, शी सरपास्ड माई एक्सपेक्टेशन, और बहुत अच्छा काम किया सनी ने। सब गाने मेरे गाने हैं, तो सर मेरे बच्चे हैं, तो मैं एक बच्चे को अच्छा बोलूँ दूसरा खराब बोलूँ होगा नहीं, क्योंकि सब गाने हमने खुद सेलेक्ट किए हैं, तो बेस्ट चूज करके सेलेक्ट किए हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सब गाने चल रहे हैं। फॉर्चुनेटली नॉर्मली एक फिल्म में एक या दो गाने हिट होते हैं, हमारे आई थिंक यहाँ 5 या 6 गाने आए हैं और सभी चल रहे हैं, और अभी आने बाकी हैं, मेरा गाना है ढोली तारा वो आ गया आई थिंक, अभी दीवाना तेरा आने वाला है, तो सब गाने अच्छे अप्रिशिएट किया गया है,
इफ यू आस्क मी बेस्ट गाना कौन सा होगा, तो आई मीन सबके अलग अलग रीजन होंगे, क्योंकि एक ऑडियो वाइज तो सभी अच्छे हैं, पर कोई गाने पिक्चराइज वाइज जो मेरे भाई अहमद खान ने किए हैं, कोरियोग्राफर ने इतना अच्छा पिक्चराइज किया कि वो गाना हैज बिकम बेटर देन दी ऑडियो, तो उस तो वो एक तो मुझे सभी गाने पसंद है, अभी मैं एक तो बोल नहीं पाऊंगा। सर एक मूवी निकली थी मतलब बैन, उसको बैन कर दिया अनफ्रीडम करके, राज अमित कुमार की मूवी थी, उसको बैन कर दिया, इट वाज बेस्ड ऑन लेस्बियन लव स्टोरी, सो और उसमें सेंसर सेंसर ये बोल रहे कि न्यूडिटी की वजह से मतलब बैन कर दिया, उसके लिए क्या कहना चाहिए? मुझे पता भी नहीं, कभी नाम सुना नहीं है पिक्चर का ना डायरेक्टर का मैं क्या कमेंट करूंगा। आई मीन ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन सेंसर बोर्ड है, आई मीन दे आर दी बोर्ड, दे डिसाइड, तो आई विश द प्रोड्यूसर्स द मेकर्स ऑल द बेस्ट कि उनको उनका सेंसर क्लियर मिले और रिलीज हो, आई मीन दैट्स व्हाट आई कैन विश द बेस्ट फॉर देम। थैंक यू। कितना मिनट का इसके अपना मतलब ये दोनों इंटरव्यू कितना मिनट का है दोनों मिल के? ये 12 मिनट। मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम करण है। करण एक म्यूजिशियन कम सिंगर है इस फिल्म में, जो बहुत ही हैप्पी है, बहुत ही लकी को गाय है, बहुत मस्ती करते रहता है ज़िंदगी में, और वो एक प्रॉब्लम में फंस जाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम अपने प्रेजेंट की वजह से नहीं, अपने पास्ट की वजह से है, और वो ऐसा पास्ट जो उसमें उसकी वो कुछ कर भी नहीं सकता, ही कांट चेंज इट, ही कांट डू एनी थिंग, लेकिन वो कैसे वो आगे बढ़ता है, कैसे वो जानने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे एक ड्रीम उसे ड्रीम्स आते हैं एवरी नाइट अबाउट दिस गर्ल कॉल्ड लीला और श्रावण एंड भैरव, वो कैसे उनको ढूंढने की कोशिश करता है, वो हमेशा उनका एक ही सवाल रहता है कि ये लीला कौन है और क्यों मेरे सपने में आ रही है। सनी, आपको अक्सर म्यूजिक करने वाले ज़्यादा वो कर लेते हैं, जैसे रणदीप हुड्डा ने जिस टू में इसमें ये म्यूजिक से आपको इम्प्रेस कर रहे, तो म्यूजिक से क्या आप इम्प्रेस हो जाती हैं? I think you might have Jay's character mixed up a little bit, but you're not trying to impress me in the movie with music, no. Well, first is Meera. Meera is a model from London, and uska first look and is this young model. She's, you know, does a lot of different modeling jobs and all this, and she gets tricked by her agent and her friends, and wo Rajasthan jaate, Rajasthan mein ek photo shoot hota hai, and they meet the prince, and prince mein pyar ho jata hai, and she falls in love with the prince and uska byah hota hai. Kitna challenge raha is kirdaar ko nibhane mein aapke liye? Meera banne ke liye actually itna difficult nahi tha. Being a model from London, wo easy tha. That's a lot of the looks that I've already done in my life. And Meera banne ke liye, for the princess look, wo bhi itna difficult nahi tha, kyunki har ladki ke andar ek princess hai. So wasn't very difficult to become a princess. But Leela banne ke liye difficult tha. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, द रीइंकार्नेशन स्टोरी है, सो एक 300 साल पहले की है और एक आज की स्टोरी है, सो आज की स्टोरी में मैं हूँ, और जो हार्डवर्क है वो सनी कर रही है, वो आज भी है और 300 साल पहले भी है। सनी, अब आपके ऊपर प्रोड्यूसर्स को पूरा भरोसा हो गया है कि एक फिल्म में सनी एज अ लीड हीरोइन आती है और पूरे फिल्म को खींच के ले जाएंगे, तो क्या आपको ये चीज कितनी मायने रखती है आपके करियर के लिए? वेल, this film Leela mujhe aisa nahi lag raha ki aise, when you watch the film there's every single person has weight on their shoulders, pressure on their shoulders, because everybody's put something on the line,
but jab producers and directors they hire you, they choose you for their movie, obviously pressure hota hai kyunki wo itna they put so much faith in you and so much trust in who you are, your following, mera following, that those people will come out and watch the movie, so obviously pressure to hota hai. यार ऐसे कोई सोसाइटी को मैसेज देने वाला ये कुछ नहीं है. हर फिल्म सोसाइटी को मैसेज देने के लिए नहीं रहते. यू नो वी हैव यू नो न्यूज़ चैनल्स टू डू दैट टू सेंड ऑल द मैसेजेस. बट ये फिल्म बहुत ही एक एंटरटेनिंग फिल्म है. आर मेन यू नो कंसर्न आर मेन फोकस इज टू एंटरटेन पीपल. यू नो जो दो इट्स अ फील गुड फिल्म. सो इसमें कोई मैसेज नहीं है ना हम कोई किसी को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स अ प्रॉपर यू नो हिंदी फिल्म जिसमें गाने हैं, जिसमें डांस है, जिसमें यू नो ड्रामा है, एक्शन है, मसाला है, एवरीथिंग इज देयर. एक चीज है व्हाट मी टू टेल यू, आप घर के बाहर जाओ, यू गो बाय द टिकट एंड जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, जो भी प्रेशर से काम किया, जो भी वो ड्रामा हो रहा है घर में, उसको भूल जाओ एंड 2 hours and 20 minutes जो भी है, just enjoy the film. As a feel good film, yes. You'll feel good at the end of it, you'll feel good watching it, so I hope that that happens. YouTube pe kafi hits mil chuke hain already film ko, to ye kitna maine rakhta hai kisi film ke shuruaati daur ko promotion ke liye? Well, definitely bahut maine rakhta hai ek promotion ka. एक जो फर्स्ट स्टेप रहता है जो हमेशा सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, वो है ट्रेलर लॉन्च और म्यूज़िक. अगर ये दो चीज़ आपने अगर समझो अचीव कर ली है, लोगों को पसंद आई है, तो दैट मीन्स यू हैव वन हाफ द बैटल. बाद में इतना तो श्योर है कि चलो पब्लिक को पसंद आया है कॉन्सेप्ट आइडिया, अब वो थिएटर के अंदर जाएंगे और थिएटर के देखने के बाद वो अपना रिएक्शन देंगे. शायद उन्हें अच्छी लगेगी, शायद नहीं लगेगी, वो हम डिसाइड करने वाले नहीं है. हमने एक ईमानदारी से एक मूवी बनाई है, लेकिन शुरुआत अच्छी रही है. सो मैं यही चाहूँगा कि ये ट्रेंड जो है, ये जो हिट्स का, वो ऐसे ही बना रहे और ये कन्वर्ट हो जाए कलेक्शंस में. सनी और आप दोनों लोग दर्शकों से 10 अप्रैल को अपने नजदीकी थिएटर्स में आने का एक बार दर्शकों से. To all the viewers out there, मैं चाहती हूँ that you all get out of your seats and theater पे जाओ. 10th of April को लीला आ रही है, एक पहली लीला, to provide entertainment along with Jay and with Sunny. The last question, there was a movie Unfreedom. Yeah, it has been banned. It was directed by Rajamit Kumar. It was based on the Indian story. What would you like to say about that? उसके बाद शायद वी कैन कमेंट ऑन दिस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.